डियर फ्रेंड्स, पैसिव वॉइस हर कोई सीखना चाहता है, लेकिन उसकी ये इच्छा कई बार इसलिए पूरी नहीं हो पाती, हम एक सही तरीका नहीं अपनाते पैसिव वॉइस को समझने के लिए। आज मैं इस वीडियो में केवल 15 मिनट में आपको पैसिव वॉइस समाप्त करने वाला हूं और आपकी समझ आएगा। तो पैसिव वॉइस को समझने के लिए सबसे पहले हम कुछ रूल्स को फोकस करेंगे, बिल्कुल शॉर्ट में पढ़ाऊंगा। जो पैसे वॉइस आप 15 से 20 दिन में पढ़ते हो, उस पैसे वॉइस से 10 से 15 मिनट में मैं खत्म कराऊंगा। और सबसे पहले हमें कुछ बेसिक रूल्स को समझना है। स्क्रीन पे कुछ रूल्स और एक टेबल आपको नजर आ रही है, ये 8 नियम हैं और इन्हें हम कंठस्थ याद कर लेंगे, पैसे वॉइस की समस्या हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। दूसरा तरीका भी है नीचे, अगर आपको उससे थोड़ा सा दिक्कत आती है तो नीचे दूसरे तरीके से हम देख सकते हैं, जिसमें एक तरफ एक्टिव वॉइस है, दूसरी तरफ पैसिव वॉइस है। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट को आप पैसे बनाएंगे तो उसका दे रखा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर दे रखा है, एमबी फर्स्ट प्लस एस एल एस और डू डस्ट प्लस वर्ब फर्स्ट उसको पैसे में दे रखा है, एज आर एम प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस आई एन ई। इस तरह से दोनों पैटर्न को हम इजिली समझ सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन बोर्ड में इसका आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा और इसके एग्जांपल समझते हैं। पहला एग्जांपल है सी राइट्स अ लेटर। जैसे उसको हम थोड़ा सा देखेंगे, और पैसिव वॉइस केवल उन्हीं वाक्यों का बनाया जाता है जिसमें ट्रांसलेटिव वर्ब वाली हो। दूसरा इंपॉर्टेंट रूल कि एक्टिव के कर्ता को पैसिव का कर्म बना देंगे, उससे पहले सूटेबल प्रपोजिशन लगा देंगे। एक्टिव के कर्म को पैसिव का कर्ता बना देंगे और नेक्स्ट पॉइंट है पैसिव वॉइस में फाइनल वर्ब थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है तीन अनडिफाइंड टेंस के वाक्यों को पैसे बनाएंगे, उनके साथ अपने अपने कंटीन्यूअस की सहायक क्रिया लगा देंगे, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट में प्रेजेंट कंटीन्यूअस सहायक क्रिया, पास्ट इंडेफिनिट में पास्ट कंटीन्यूअस सहायक क्रिया और फ्यूचर इंडेफिनिट में फ्यूचर कंटीन्यूअस सहायक क्रिया। प्रेजेंट और पास्ट कंटीन्यूअस में केवल बीइंग जोड़ते हैं, सहायक क्रिया उसी टेंस की लगाती है, और तीनों परफेक्ट टेंस में केवल बीइंग जोड़ते हैं, सहायक क्रिया उसी टेंस की लगती है, यानी परफेक्ट में परफेक्ट कंटीन्यूअस की सहायक क्रिया लग जाती है। सभी मॉडल्स में और इन्फिनिटिव में केवल बी जोड़ देते हैं फाइनल वर्ब से पहले। तो ये अब वो 8 नियम है, इन्हें आप कंठस्थ कर लें और एग्जांपल समझें। सी राइट्स अ लेटर, ये आपका मेन वर्ब है। सबसे पहले पैसे बनाने के लिए हमें मेन वर्ब को ढूंढना होता है और मेन वर्ब से पहले आने वाला नाम है प्रोनाउन सब्जेक्ट होता है, तो सी सब्जेक्ट हो गया। मेन वर्ब के बाद आने वाला नाम है प्रोनाउन ऑब्जेक्ट होता है। तो पैसे बनाने का सबसे आसान तरीका है पहले हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दें, अ लेटर। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दो, उसमें सूटेबल प्रपोजिशन लगा दो, वाई हाँ। वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए पैसिव में, रिटेन। अब लास्ट में देखें टेंस कौन सा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस सहायक क्रिया। तो पैसिव मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है, बस आप एक सिस्टमेटिक रूल्स को समझ लें। दूसरा एग्जांपल देखेंगे, आई टॉट हिम इंग्लिश। तो ये मेन वर्ब है आपकी, ये सब्जेक्ट और यहां की दो ऑब्जेक्ट हैं, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जिसे सजीव कर्म कहते हैं और ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जिसे हिंदी में निर्जीव कर्म कहते हैं। तो पैसे बनाने के लिए हमें सजीव कर्म को जनरली कर्ता बनाना चाहिए, क्योंकि निर्जीव कर्म को कर्ता बनाने पर सजीव कर्म से पहले क्रिया को लिखना पड़ता है। दोनों एग्जांपल आपको समझा देता हूं मैं, इनको कर्ता बनाएंगे ही, पास्ट इंडेफिनिट पास्ट कंटीन्यूअस सहायक क्रिया, वर्ब की थर्ड फॉर्म इंग्लिश, व्हाई नॉट। अगर इंग्लिश को सब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या होगा, इंग्लिश वॉज टॉट टू मी टू हिम वाय मी। तो सजीव कर्म को पैसे बनाने से गलती के चांसेस कम हो जाते हैं,
क्योंकि निर्जीव कर्म को पैसे बनाएंगे तो ये टू अगर यहां नहीं लिखेंगे तो ये वाक्य गलत हो जाएगा, आपका पैसे गलत हो जाएगा। फ्यूचर डेफिनेट देखेंगे, ये मेन वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है। मी ऑब्जेक्ट है, वो हेल्प के बाद आया है, पैसे बनाएंगे तो मी को सब्जेक्ट मार देंगे। आई विल बी टॉट, विल बी हेल्प, सेल लगा देते हैं और ये दोनों ही आ जाते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मॉडर्न इंग्लिश में विल से दोनों का यूज कर सकते हैं, आपको दिक्कत हो रही है तो आप यहां सेल लगा दीजिएगा, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। आई सेल बी हेल्प वाय डॉक्टर साइमन। कंटिन्यूअस में केवल दिन जोड़ना है, ये आपका मेन वर्ब हो गई कुकिंग, ये आपका ऑब्जेक्ट है और ये सब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट मान लेंगे। फूड इज, केवल कंटिन्यूअस में बीइंग जोड़ना है, बीइंग कुक्ड बाय हर। पास्ट कंटिन्यूअस में भी केवल बीइंग जोड़ना है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट। क्रिकेट वॉज बीइंग प्लेड बाय रोहित। परफेक्ट में केवल बीइंग जोड़ना है। और दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट यहां ध्यान रखना है कि वाक्य नेगेटिव हो या इंटरप्रेटिव हो कोई फर्क नहीं पड़ता, नेगेटिव इंटरप्रेटिव के अलग रूल्स नहीं होते हैं, केवल आपको ध्यान ही रखना होता है यदि इंटरप्रेटिव सेंटेंस है उसका पैसिव इंटरप्रेटिव बनाना है और नेगेटिव सेंटेंस उसका पैसिव नेगेटिव बनाना है। तो ये इंटरप्रेटिव है, ऑब्जेक्टिव वर्ब से स्टार्ट हुआ है तो पैसिव भी ऑब्जेक्टिव वर्ब से स्टार्ट हो जाएगा। योर वर्क सब्जेक्ट बन जाएगा, यू ऑब्जेक्ट बन जाएगा, तो योर वर्क के अकॉर्डिंग फिर है जाएगा, हैज योर वर्क बीन। सभी परफेक्ट में बीन जोड़ना है, परफेक्ट कंटिन्यूअस आती है, कंप्लीटेड वाय यू। पास्ट परफेक्ट में भी हमें केवल बीन जोड़ना है, सभी परफेक्ट में बीन जोड़ते हैं, तो द क्लास को सब्जेक्ट बना देंगे, द क्लास ये नेगेटिव है तो इसका नेगेटिव पैसे बन जाएगा, हैज नॉट बीन अटेंडेड बाय देम। ये फ्यूचर परफेक्ट है, हर फादर ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट बना देंगे, हर फादर विल हैव बीन मेड वाय। तो ये आठ टेंस का पैसे बनता है और आठों का एक एक एग्जाम्पल आपके सामने है। उसके बाद हम बात करेंगे मॉडल्स की, कैन कुड मे माइट शुड मस्ट ऑट टू नीड डियर एक्सेट्रा। कोई भी मॉडल है उसमें केवल बी जुड़ना है और कोई भी इन्फिनिटिव है, इन्फिनिटिव उसे कहते हैं जहां टू प्लस वर्ब फर्स्ट आता है, उस सबके वाक्यों को पैसे बनाएंगे तो उसमें केवल बी जुड़ना है। तो इसको कैन कुड वाले को देखेंगे पहले, तो दिस वॉक्स ऑब्जेक्ट है, दिस वॉक्स कैन not be lifted by me. Has to have to वाले में यानी कोई भी इन्फिनिटिव कॉम्बिनेशन है, जिस प्रोजेक्ट ऑब्जेक्ट है, बाकी से हमें कोई मतलब नहीं है। इनसे जितने भी अदर वर्ड्स हैं उसमें समय हो, स्थान हो, कोई एडवर्ब हो, उससे कोई मतलब नहीं है। हमारा पैसिव का केवल मीनिंग है कि हमें सब्जेक्ट चाहिए, ऑब्जेक्ट चाहिए और वर्ब चाहिए, इसके अलावा हमें जैसे जो भी शब्द है उसको एडिट लिख देना है उसका। दिस प्रोजेक्ट हैज टू बी जुड़ जाएगा बस, कंप्लीटेड बाय हिम। तो बेसिक रूल्स हो गए। इसके अलावा पैसिव वॉइस में
हमें हु और व्हाट वाले वाक्यों को पैसे बनाने में दिक्कत आती है। हु और व्हाट में बेसिक प्रॉब्लम ये आती है, हु और व्हाट सब्जेक्ट का भी कार्य करते हैं और प्रश्नवाचक शब्द का भी कार्य करते हैं। चूंकि उनके दो डिफरेंट फंक्शंस हैं, इसी वजह से उनमें थोड़ा सा बेसिक दिक्कत आती है। उसको थोड़ा समझने के लिए देखें, जैसे हु रोट द रामायण, आपको बताया था सबसे पहले मेन वर्ब देख लीजिए आप, ये मेन वर्ब है ठीक है, और मेनो से पहले आने वाला सब्जेक्ट, मेनो के बाद आने वाला ऑब्जेक्ट। अब रामायण ऑब्जेक्ट है, हु सब्जेक्ट है, अब पैसे बनाएंगे तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनाएंगे। अब यहां हु दो कार्य कर रहा है, प्रश्नवाचक शब्द भी है, इसलिए इसे कर्ता को कर्म तो बना देंगे, उसके साथ बाइक लगा देंगे, बस इसको पीछे नहीं दे सकते क्योंकि प्रश्नवाचक शब्द की जगह चेंज नहीं होती, बस ये ध्यान रखना है। बाकी वो सेम बेसिक नियम है, ये कर्ता का कर्म तो बना दे, उसकी जगह चेंज नहीं करेगी, तो प्रश्नवाचक की जगह चेंज नहीं होती। पास्ट इंडेफिनिट है इसलिए पास्ट कंप्लीट साइकिल लगा दी। अब ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट बना देंगे, सब्जेक्ट कब बनेगा ये, जब वर्ब से पहले आ जाएगा, द रामायण लेटे थर्ड फॉर्म। वैसे ही वॉर डिस्टर्ब्स यू, डिस्टर्ब यू, ये मेन वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है और ये सब्जेक्ट है। तो वॉर का सब्जेक्ट भी वॉट ही होता है और ऑब्जेक्ट में वॉट होता है, हु में थोड़ा डिफरेंस होता है। अब वॉट सब्जेक्ट बन गया और ऑब्जेक्ट बन गया, उसके साथ बाय लगा दिया, बाय वॉट, पास्ट मेथड है, पास्ट कंप्लीट साइकिल वॉच, यू के अकॉर्डिंग वर, वर यू डिस्टर्ब। अगला एग्जांपल है, यहां वॉट ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, वॉट डज सी से, से मेन वर्ब है और वर्ब से पहले आने वाला नाउन है प्रोनाउन सब्जेक्ट, जब सब्जेक्ट सी है तो वर्ड क्या हुआ ऑब्जेक्ट, क्योंकि हु और वर्ड अगर वाक्य में आएंगे वो या तो कर्ता का काम कर रहे हैं या कर्म का काम कर रहे होंगे। पैसे बनाएंगे तरीका सेम वही है, वर्ड यहां ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बन जाएगा, वर्ड का सब्जेक्ट भी वर्ड होता है, वर्ड प्रेजेंट इंडेफिनिट है, कंटिन्यूअस एक्ट या इज, से की सेकंड सेट, वाई हर, ये सब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट बना दिया। तो ये हु और वॉट की प्रॉब्लम है। इसके बाद कुछ इन्फिनिटिव की प्रॉब्लम भी आती है, कुछ ऐसी क्रियाएं हैं मेक, सी, हियर, नोटिस, इनके बाद बेयर इन्फिनिटिव आता है यानी टू नहीं आता है, लेकिन अगर इनका पैसे बनाएंगे तो इनके बाद फुल इन्फिनिटिव आता है, एक्ट में इन क्रियाओं के बाद पैसे नहीं आता लेकिन टू नहीं आता, लेकिन अगर इनको हम पैसे बनाएंगे तो इनके बाद टू आएगा। जैसे आई शैल मेक यू, यानी इसका पैसे बनाएंगे हम, यू का सब्जेक्ट यू होता है, विल बी मेड टू स्पीक इंग्लिश वाय मी लिखते, आगे भी लिख देते हैं इसे, कोई दिक्कत नहीं इसकी, ठीक है। तो यहां एक्टिव में टू नहीं था लेकिन पैसे में क्रिया का टू आता है। इसके बाद एक पॉइंट और आपको करा देता हूं लास्ट में, जनरली हैव को पैसे नहीं बनाया जाता, जनरली हैव को पैसे नहीं बनाया जाता है, लेकिन अगर इस तरह एग्जाम्पल आ जाता है आई हैव अ पेन, कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं आई हैव अ पेन इसका पैसे क्या होगा, तो हैव को पैसे नहीं बनाते, लेव को पैसे जनरली नहीं बनाया जाता है, तो अब हैव इक्वल टू कीप, हैव मीन्स रखना, कीप मीन्स रखना, तो हैव को हम क्या है कीप में ट्रांसफर कर देंगे और इसमें पैसे बनाएंगे कीप को लिख करके, उसका आ पेन प्रेजेंट इंडेफिनिट है, इज कैप्ट, ये टाइम एंड टेंस बता चुका हूं प्रेजेंट इंडेफिनिट कैसे है, अ पेन इज कैप्ट वाच मी। सो पैसिव वॉइस की यूनिट फर्स्ट हम यहीं पे समाप्त करते हैं, यूनिट सेकंड के साथ नेक्स्ट वीडियो में प्रेजेंट होता हूं। अगर आपने अभी तक